दोस्तों रिसेंटली गूगल ने अपना पिक्सल 3a और 3a XL अनाउंस कर दिया और बेसिकली ये मिड रेंज फ्लैगशिप टाइप के फ़ोन है, जैसे कि आईफोन के साथ एप्पल ने किया था कि आईफोन XS और XS मैक्स के साथ XR लॉन्च किया था, गैलेक्सी के साथ सैमसंग ने किया कि गैलेक्सी S10 और S10 प्लस के साथ S10e आया था, वैसे ही कुछ कुछ गूगल भी शायद कोशिश कर रहा है पिक्सल 3a और 3a प्लस के साथ, 3A XL, और बेसिकली 3A XL या 3A इज अ वियर्ड नॉमेनक्लेचर सिस्टम, मैं कैसे नाम रखा है ये पता नहीं मुझे भी, कि और A का मतलब क्या है ये भी नहीं पता मुझे। बेसिकली मैं ये डिस्कस करने आया हूँ कि इसका होने क्या वाला है, क्योंकि क्लियरली पिक्सल 3 और पिक्सल 3 XL बिक नहीं रहे थे, इस वजह से रिसेंटली अभी क्योंकि नए फ़ोन भी लॉन्च होने वाले थे इसलिए रिसेंटली अभी इन्हें प्राइस कट भी किया था, लगभग 20-22 हज़ार रुपये सस्ते हो गए थे फ्लिपकार्ट के अंदर जो भी लिस्टिंग थी पिक्सल 3 और पिक्सल 3 XL की, और क्योंकि इनके महंगे वाले फ़ोन बिक नहीं रहे थे जो कि गूगल ने खुद एक्सेप्ट किया है, और इसी वजह से 3A और 3A XL को लाया गया है। और मुझे नहीं लगता कि इंडियन मार्केट में, बेसिकली इंडियन मार्केट या कोई भी डेवलपिंग कंट्री वाले मार्केट में जहां पे लोग स्पेसिफिकेशंस देख के फोन्स को लेते हैं, वहां पे ये कुछ बहुत खास बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि फिर से इन्हें स्नैपड्रैगन 660 के साथ लॉन्च किया है, दोनों ही फोन्स में स्नैपड्रैगन 660 है, जो कि आपको पता है अगर कि 2, 4, 6, 8 स्नैपड्रैगन की सीरीज ऐसे चलती है, 2 सबसे हल्के वाले प्रोसेसर, फिर 4 उससे ऊँचे, फिर 6 उससे ऊपर, और अभी बीच में 7 भी आ गया है, फिर 800 जो टॉप नॉच होते हैं, जो सबसे अच्छे प्रोसेसर हैं स्नैपड्रैगन के, वो 800 सीरीज के, अब 600 इंप्लीमेंट किया है। दूसरा इसमें पिक्सल विजुअल कोर एक प्रोसेसर है जो पिक्सल की सीरीज में पिक्सल लाइनअप में गूगल यूज करता है अपनी इमेज प्रोसेसिंग के लिए। पिक्सल क्यों पॉपुलर है? क्योंकि उसकी इमेज प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है। अगर आप DxOMark या किसी भी यूट्यूबर को सुन लो तो स्टिल फोटोज की बात जब भी आएगी तो पिक्सल सबसे ऊपर आता है, क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट द कैमरा, उनके कैमरा सेंसर की वजह से वो सबसे ऊपर नहीं आते, सबसे ऊपर इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी जो प्रोसेसिंग है इमेज की वो बहुत अच्छी है, और प्रोसेसिंग से आती है जो आप CPU या SoC यूज कर रहे हो उसके अंदर। अब जब SoC आपने डाउनग्रेड कर दिया तो उसमें DSP जो हेक्सागन DSP है वो सिमिलर यूज हो रही है, इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इमेज प्रोसेसिंग में कुछ खास फर्क पड़ेगा, पर पिक्सल विजुअल कोर इन फोन्स में नहीं है, पिक्सल 3 में पिक्सल विजुअल कोर है, इन फोन्स में पिक्सल विजुअल कोर नहीं है, तो मुझे लगता है कि क्योंकि पिक्सल 3 में पहले ही बहुत ज्यादा टाइम लेती थी इमेज प्रोसेसिंग में, और अभी विजुअल कोर अगर हटा दिया तो मुझे पता नहीं कितना और टाइम लेगी। मैं बेसिकली फुल रिव्यू का इंतजार कर रहा हूँ कि कोई इसका फुल रिव्यू करके दे और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि क्या कैसा रिएक्शन रहा है। तो बेसिकली स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं, सबसे पहले दोनों ही फोन्स में फुल HD स्क्रीन्स हैं, छोटे वाले फोन में 3000 mAh की बैटरी है, बड़े वाले फोन में 3700 mAh की बैटरी है, दोनों ही फोन्स में स्नैपड्रैगन 660 SoC है, दोनों ही फोन्स में AMOLED डिस्प्ले है, दोनों ही फोन्स में सेम कैमरा सेंसर है जो कि अपने पिक्सल 3 में यूज किया जा रहा था, सोनी का MSM 363 है शायद, और दोनों में ही सेम है, तो मतलब जो इमेज क्वालिटी होनी चाहिए वो सिमिलर है लगभग, और इमेज प्रोसेसिंग जो DSP हेक्सागन DSP जो स्नैपड्रैगन के SoC प्रोसेसर के अंदर होती है इमेज प्रोसेसिंग यूनिट, वो भी सेम है दोनों में, तो बेसिकली इमेज क्वालिटी जो होगी वो सेम मिलेगी हमें। अब अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो ये स्पेसिफिकेशंस आपको 15-20 हज़ार में बहुत आराम से मिल जाएगा इंडियन मार्केट में, पर जब पिक्सल लॉन्च होगा गीकी रंजीत के वीडियो के बेसिस पे वहां पे जो रिटेल यूनिट थी पिक्सल 3A XL की उसका रिटेल प्राइस था 50,000 रुपीज़। अब क्योंकि जो MRP लिखा होता है हमेशा MRP पे रिटेल होता नहीं है, उससे थोड़ा बहुत कम होगा, तो 45 पकड़ के चले, अगर 45,000 भी पकड़ के चले तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ खास बिकेगा, क्योंकि जब आपको 15-20 हज़ार में सेम स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं तो आप 45 क्यों दोगे? अब 45 क्यों दोगे ये मैं जस्टिफाई करने की कोशिश अगर करूँ तो बेसिकली गूगल आपको एक एक्सपीरियंस सेल करने की कोशिश कर रहा है, ना कि सिर्फ एक स्मार्टफोन, ना कि सिर्फ एक हार्डवेयर। बेसिकली गूगल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, एंड दे हैव अग्रीड अपॉन इट सो मेनी टाइम्स कि वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, बेसिकली वो अपना जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस उसके साथ बंडल कर रहे हैं ना, जो पूरा एक सिंगल एक्सपीरियंस पिक्सल 3A के थ्रू वो डिलीवर करना चाहते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहला तो आप 15-20 हज़ार में वो स्पेसिफिकेशंस, वो हार्डवेयर आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर, पर जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिल रहा है और जो कैमरा क्वालिटी सॉफ्टवेयर के जरिए गूगल डिलीवर कर रहा है वो नहीं मिल पाएगा। और बेसिकली मैं पिक्सल सीरीज का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि अगर आपको एंड्रॉयड यूज करना है, रियल में एक्सपीरियंस करना है, तो आपको एक बार वैनिला एंड्रॉयड जरूर यूज करना करके देखना चाहिए, क्योंकि आप एक बार वैनिला एंड्रॉयड यूज करोगे तो यू विल फॉल इन लव विद इट। इतना क्लीन होता है, इतना स्मूथ होता है कि मजा ही आ जाएगा दोस्तों। तो बेसिकली मार्केट में जो
अगर मैं देखूं तो Redmi का MI A2B अवेलेबल है, A2B एंड्रॉयड वन डिवाइस है जिसमें वैनिला एंड्रॉयड ही आता है। तो अगर वैनिला एंड्रॉयड की भी बात करूं तो भी आपको सस्ते में ही मिल जाएगा, अभी 11-12 हज़ार का मिल रहा है A2 2A, सॉरी 2A 11-12 हज़ार का मिल रहा है मार्केट में, और 45 हज़ार का पिक्सल क्यों लोगे आप? क्योंकि इसकी जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है और साथ में आपको 3 साल का इसके साथ सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल रहा है, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्क्रीन क्वालिटी बहुत अच्छी है, इन्होंने एमोलेड स्क्रीन यूज़ की है बजाय कि एलसीडी के प्राइस कट करने के चक्कर में एलसीडी नहीं यूज़ किया है। जो डाउनसाइड दिख रहा है मुझे वो ये है कि बिल्ड क्वालिटी जो है वो प्लास्टिक बिल्ड है। दूसरा, इसमें जो स्क्रीन का ऊपर ग्लास यूज किया गया है वो ड्रैगन टेल ग्लास है, ना कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। अब कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास और ड्रैगन टेल में प्राइस का कितना फर्क पड़ता है मुझे नहीं पता, पर ड्रैगन टेल सिर्फ स्क्रैच रेजिस्टेंट, उसका रेजिस्टेंस सिर्फ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जैसा है, शटर प्रूफिंग उतनी अच्छी नहीं है। मतलब अगर अगर आपका पिक्सल 3A XL या पिक्सल 3A ड्रॉप होता है तो उसके टूटने की संभावना है ज्यादा है बजाय कि स्क्रैच होने के। स्क्रैच रेजिस्टेंट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जैसा है पर शटर रेजिस्टेंट उतना अच्छा नहीं है, वाटर प्रूफिंग नहीं है इसमें। तो जो चीजें आप मिस कर रहे हो वो बेसिकली वाटर प्रूफिंग मिस कर रहे हो, मेटल कंस्ट्रक्शन मिस कर रहे हो, मेटल ग्लास ग्लास कंस्ट्रक्शन मिस कर रहे हो क्योंकि इसमें पूरा प्लास्टिक बिल्ड है। तीसरा, आप जो फ्रंट में ग्लास की कवरिंग है वो मिस करोगे थोड़ा बहुत, और चौथा, आप जो प्रोसेसिंग पावर आपको एक्चुअली मिलने वाली वो मिस आउट करोगे थोड़ी सी। अगर मैं बात करूं प्रोसेसिंग पावर की तो बेसिकली आपको प्रोसेसिंग पावर क्या है, इमेजिंग इमेज खींचने इमेज कैप्चर करने के लिए चाहिए होती, तो इमेज कैप्चर तो कवर्ड है, मतलब सेम DSP यूज कर रहे हैं तो इमेज कैप्चर में करने में ज़्यादा कुछ खास दिक्कत आने वाली नहीं है। और रही बात गेमिंग वगैरह की, गेमिंग वगैरह में ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर लगती है, तो गेमिंग वगैरह में भी गीकी रंजीत के वीडियो में उन्होंने बताया है कि पबजी मोबाइल इसे डिटेक्ट करता है मीडियम सेटिंग्स में प्ले करने के लिए। तो मतलब आपको गेमिंग भी ठीक ठाक ही मिलेगी, बहुत अच्छी नहीं मिलेगी पर ठीक ठाक मिलेगी। और अगर इसे ऐसे कंसिडर करो कि यार फ्लैगशिप फ़ोन नहीं है ये मिड टीयर फ्लैगशिप फ़ोन है, जो कि मेरा खुद का इवॉल्व टर्म है, मिड टीयर फ्लैगशिप मतलब जिसका प्राइस मिड टीयर जैसा हो पर उसे फ्लैगशिप की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश की जाए, तो ये बेसिकली मिड टीयर फ्लैगशिप है और इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। बेसिकली आपको कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी मिल जाएगी जितनी अच्छी आपको पिक्सल 3 में मिलती थी, आपको स्क्रीन बहुत जबरदस्त मिल रही है, आपको जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल रहा है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिल रहा है वो बहुत जबरदस्त मिल रहा है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप क्या पिक्सल 3 XL लोगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट में आज 10 बजे से मिलना शुरू हो जाएगा। और सॉरी ये वीडियो थोड़ा लेट आएगी क्योंकि मैंने फोन से लाइव जाने की कोशिश की, और फोन से लाइव जाने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से 1000 पहुंचा दो ताकि मैं अगली बार से फोन से लाइव आ पाऊँ ऐसे क्विक टिप्स या क्विक बिट्स देने के लिए आपको, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बहुत अंदर से चुल मची पड़ी थी कि आपके साथ ये शेयर करूँ कि यार 3 XL लॉन्च हो गया और आप 3 XL को 10 बजे आज फ्लिपकार्ट पे खरीद सकते हो आज 10 बजे से। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप क्या 3 XL में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये बेसिकली स्पेसिफिकेशंस की बात नहीं है, बेसिकली एक्सपीरियंस की बात है जो गूगल आपको देना चाहता है। मुझे लाइक लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया, कमेंट्स में बताइए कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं इस चैनल में, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ताकि मैं अगली बार से लाइव आ सकूं फोन के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू तो मैं अब भी आ सकता हूँ पर फोन के थ्रू लाइव आने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को अपने दोस्तों से ताकि मैं अगली बार लाइव आ सकूँ, क्योंकि यार मैं सीरियसली जब मैंने अभी फोन से लाइव जाने की कोशिश की तो मेरा दिल टूट गया यार, कि जैसे मैंने प्रॉम्प्ट देखा कि यार 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। और मैं सच में आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहता था, बहुत ज़्यादा बहुत अर्जेंट सी रिक्वायर नीड आ रही थी मेरे दिमाग में कि मैं ये आप लोगों से डिस्कस करूँ। आप मुझे बताइए कि मार्केट में 45 हज़ार के आसपास में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल है पिक्सल 3A 3A XL के, तो आप मुझे बताइए कि आप कौन सा ऑल्टरनेटिव फ़ोन खरीदना पसंद करेंगे अगर आप 3A XL, अगर आप मार्केट में सेम बजट में जा रहे हैं खरीदने कुछ, तो 3A XL की बजाय कौन सा फ़ोन खरीदना पसंद करेंगे, OnePlus 6T या फिर ये अपना S10e भी लगभग 50-56 हज़ार के आसपास है, तो आप कौन सा फ़ोन इसके बजाय खरीदना पसंद करेंगे और क्यों खरीदना पसंद करेंगे अगर ये भी बता पाए कमेंट्स में तो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी डिस्कशंस में इंगेज करिए यार, कमेंट्स में डिस्कस करिए कुछ नया कुछ ताज़ा, और देखते रहिए यार। साइनिंग ऑफ, नमस्कार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।